जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तीर्थ के बारे में। तीर्थ का क्या काम है और उसका क्या नाम है और वह कहाँ पे स्थित रहता है, यह भी जानेंगे। चलिए, तीर्थ के हिंदी होता है धात। तीर्थ के हिंदी होता है धात। अच्छा, अब सबसे पहले होता है तो तीर्थ होता क्या है, दांत क्या है। दांत का निर्माण होता है जैसे कठोर उत्तक से दांत का निर्माण होता है। कठोर उत्तक से दांत का निर्माण होता है। दांत हमारी होता है तो सुंदरता प्रदान करता है दांत। बाकी सब खाने पीने में वो आगे इसी वीडियो में जान जाएंगे क्या क्या काम करता है दांत। लेकिन एक देखते हैं ना, अगर दांत न रहे तो देखते हैं किस तरह चेहरा दिखता है, अच्छा की तरह न दिखता है। चाहे किसी का दांत बाहर निकल, बहुत ज्यादा बाहर निकल जाता है, ऐसे भी मेरा थोड़ा दांत निकल रहा है, लेकिन ज्यादा किसी का निकल जाता है तो देखते उसका दांत अच्छा नहीं लगता है। क्यों? दांत है ना, और सुंदरता प्रदान करती है। दांत है ना, वह सुंदरता प्रदान करती है, इसीलिए दांत के बिना आदमी अच्छा नहीं लगता है। चलिए जान जाते हैं, ये तो जान गए, दांत के कठोर उत्तक से बना रहता है। इसका अध्ययन करते हैं, जो अध्ययन करता है उसको, जो दांत का अध्ययन करता है उसे बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी जो दांत का अध्ययन करता है उसे बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, समझ गए? सॉरी, ओडोंटोलॉजी किसको बोलते हैं, जो दांत का अध्ययन करता है उसे ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, अब आते हैं बना किस चीज से। मेरी दांत ही मान लीजिए ये दांत है, बनाने तो नहीं आया है, मान लीजिए टीथ है। टीथ है तो इसका सबसे बाहरी भाग होता है ना, इसका नाम है एनामेल, और इसका नाम है डेंटाइन। एनामेल और डेंटाइन, एनामेल का क्या काम रहता है और डेंटाइन का क्या काम रहता है, वही सब जानेंगे। एनामेल, एनामेल को हम लोग बोलते हैं, मतलब एनामेल को बोलते हैं ऊपरी परत यानी बाहरी भाग। एनामेल को बोलते हैं बाहरी भाग यानी बाहरी भाग। तो एनामेल मेनली दांत क्या चीज से बना है, तो मेनली दांत बना है ना, वो बोले है कैल्शियम फास्फेट से दांत बना रहता है, समझ गए ना, कैल्शियम फास्फेट से बना रहता है। लेकिन एनामेल रहता है ना, वो सबसे मतलब 20-25% लगभग इतना ही रहता है। ऊपर जो मैं किसी का दांत, मतलब हम लोग का दांत ऊपर उजला रहता है ना, वो एनामेल के कारण ही दांत उजला रहता है। एनामेल की परत छोटी होती है यानी पतली होती है, कम होती है, और डेंटाइन का परत लगभग 80-85% डेंटाइन का भाग होता है। अच्छा, अब आता है बाहरी भाग में क्या आता है, बाहरी भाग में होता है एनामेल। एनामेल बाहरी भाग का काम होता है एनामेल, उसका नाम है एनामेल, बना रहता है कैल्शियम फास्फेट से, समझ गए, कैल्शियम फास्फेट से। कैल्शियम फास्फेट की मतलब एक कैल्शियम का क्रिस्टलीय रूप, उसका फिक्स आकार होता है, क्रिस्टलीय रूप को कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं, कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं। जैसे कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं, कैल्शियम एपेटाइट उसी को कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं आंतरिक भाग। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, आंतरिक भाग, आंतरिक भाग को कहते हैं डेंटाइन, समझ गए। आंतरिक भाग को कहते हैं डेंटाइन। ये क्या चीज से बना रहता है, तो ये भी रहता है कैल्शियम ही से। कैल्शियम फास्फोरस से यह बना रहता है। मेनली कोई भी अगर पूछे क्या दांत क्या चीज से बना रहता है, तो दांत मेनली कैल्शियम फास्फोरस से ही बना रहता है, फास्फेट से। लेकिन ये क्रिस्टली पार्ट का पता है ना, उसी का उसको ना उसका क्रिस्टली पार्ट का नाम है कैल्शियम एपेटाइट, समझ गए आप सभी दांत के बारे में, समझ गए। अब आते हैं जैसे कि एक होता है और दांत, मतलब बहुत सारे इसी में प्रकार होता है, कितने प्रकार का दांत होता है ये भी तब तक आप लोग ये उतार लीजिए, तब तक मतलब उतार लीजिए आप लोग, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप सभी लोग उतार लिए होंगे। अब आता है एक डायोफ्यूडल होता है। डायो मतलब क्या,
अगर डायो बोलने से उसका प्रोनाउंसिएशन करने में ही लगता है डायो मतलब दोबारा, डायो डॉ से दोबारा, मतलब डायोफ्योरोन, डायोफ्योरोन का होता है मतलब हिंदी होता है इसका दूध का दांत, यहां लिख देते हैं दूध का दांत या डायोफ्योरोन मतलब दोबारा, या इसकी संख्या होती है 20, जो छोटे बच्चे को दांत टूट जाता है ना उसी को बोलते हैं डायोफ्योरोन, डायोफ्योरोन को मतलब दोबारा, और डायोफ्योरोन को टोटल 20 होती है जो एक बार टूट कर दूसरी की बार निकल ले तब तो परमानेंट होती है, तो इसकी संख्या कितनी होती है 20। और मोनोफ्योरोन, मोनोफ्योरोन को मतलब होता है मोनोफ्योरोन यानी एक बार, मोनोफ्योरोन मतलब एक बार, मोनोफ्योरोन यानी एक बार, तो इसकी संख्या कितनी रहती है मोनोफ्योरोन की संख्या रहती है 30, समझ गए। तो अगर कोई पूछे मानव शरीर के मतलब जीवन काल में, मानव की जीवन काल में यहाँ लिखा हूँ मैंने, मानव का जीवन काल में कितने दांत पाए होते हैं, और ऐसे तो सब कोई बोल जाता है, अगर आप लोग कोई पूछता है दांत कितने होते हैं तो सब कोई बोल देता है जल्दी 32 दांत होते हैं, लेकिन पूरा क्वेश्चन समझ कर बोलना चाहिए कभी भी, ना ही आधी अधूरा क्वेश्चन बोले जाए उसके बाद वही में पूरा टेंशन दिया जाए, पूरा दांत सुनिए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग, कहे भी मानव जीवन का, मानव का जीवन काल में कितने दांत पाए जाते हैं, ये तो डायोफ्योरोन भी हो गया 20 और मोनोफ्योरोन हो गया 30, तो 30 प्लस 20, सॉरी यहाँ पर मोनोफ्योरोन 32 दांत होते हैं, दांत कितने होते हैं तो दांत 32 होते हैं ना, दांत की संख्या कितनी होती है 32 हो गई, गलती से लिखा गया था इसलिए सॉरी। जीवन काल में कितने दांत होते हैं तो जीवन काल में 52 दांत होते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत होते हैं तो जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं मनुष्य के। चलिए आप सभी उतार लीजिए फिर पढ़ाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सभी ले सकते हैं, चलिए आप सभी लोग उतार ली होगी। चलिए अब आते हैं दांत, दांत के बारे में पढ़ेंगे, दांत कितने प्रकार के मतलब दांत कितने प्रकार के होते हैं ये तो जान के, इनामिलर डेंटाइन बोले ये सब जानेंगे, बाकी सब आते हैं इनसीजर कैनाइन प्री मोलर और मोलर, ये होते हैं ना तो कैसे होते हैं देखिए हम बताते हैं। चार क्या लिखे, 1 2 3 4, 4 हो गया, केनाइन कितने होते हैं 4, केनाइन कितने हो गए 4, द इनसी केनाइन, अरे नहीं आगे चलते हैं हम लोग इंसिजर पढ़ लेते हैं, केनाइन बाद में पढ़ेंगे क्योंकि यार सेकेंड नंबर में इंसिजर हो गया, इसका नाम क्या है इंसिजर, 1 2 3 4 इंसिजर, इंसिजर कितना होता है 4, द इंसिजर एंड 4 कटिंग एंड बीटिंग द फूड इज कॉल्ड इंसिजर, बोल सकते हैं इंग्लिश में आप, हिंदी में बोल सकते हैं किसी भी मतलब फूड को काटने के मतलब काटने के लिए जो होता है ना वो इंसिजर का ही उपयोग किया जाता है, देखते हैं जैसे छोटा बच्चों से को देखते होंगे, कोई छोटा बच्चा होगा आपके घर वर में या बगल वगल में देखते हैं, उसकी मम्मी है ना एक रोटी ले लेगी और रोटियां पर क्या करेगी घी वो लगा देगी या चीनी उनी रख देगी कुछ भी रख देगी, इस तरह उसको फोफी की तरह मोड़ देगी और दे देगी खाने के लिए, तो बच्चा इस तरह काटेगा, काटेगा ना तो वो किससे काटता है तो इंसिजर से ही काटता है, इंसिजर की संख्या कितनी हुए 4 हुए, इंसिजर को एक और बात, इंसिजर को हम लोग क्या बोलते हैं इंसिजर को नोज टीथ भी बोलते हैं, कौन टीथ नोज टीथ, नोज टीथ क्यों बोलते हैं इंसिजर को क्योंकि देखिएगा किसी का बड़ा नाक होगा उसके नहीं, जो सिंपली किसी का नाक होगा ना देखिएगा नाक के बराबर ही होगा उसका इंसिजर, ये 4 होगा तो ये नाक के बराबर ही उसका इंसिजर होगा, इसलिए हमको उसको नोज टीथ भी बोलते हैं। अब आते हैं केनाइन पर, अब आते हैं इंसिजर तो जानिए अब केनाइन पर आते हैं, ये हो गया केनाइन, इंसान केनाइन कितने होते हैं मतलब
ऐसे तो दांत का एक ही प्रकार पड़ेगा, क्योंकि यह चेम्बर इस तरह रहता है, चेम्बर की तरह होता है, एक साइड पड़िए दूसरे गुना कर दीजिए दूसरी का हो गया, एक साइड नीचे का पड़े ऊपर का पड़े, बात तो बराबर ही होगा ना, क्योंकि ये पड़े तो ये भी पड़े, इससे गुना कर दीजिए सेम प्रोसेस रहता है, सेम वे रहता है, मतलब यहाँ जिसका सिचुएशन जहाँ रहेगा ना, इसका मतलब मान लीजिए जगह यहाँ पे है इंसिडर करते हैं, यही इंसिडर रहेगा, ऊपर में भी इसी के सामने इंसिडर रहेगा, इसीलिए एक ही ओरिजिन पढ़ते हैं, एक ही बात को हम पढ़ा रहे हैं, तो एक बार में होता है जैसे नीचे है, तो नीचे दांत में कितने इंसिजन चार, किनाइन कितने होते हैं दो, तो ये किनाइन हो गया, ये किनाइन और ये किनाइन, किनाइन से याद रखने का ट्रिक है, के नाइन किनाइन सी से किनाइन, सी से कार्निवोरस, सी से किनाइन सी से कार्निवोरस, कार्निवोरस क्या होता है, तो कार्निवोरस जो मांसाहारी जीव वो तो मांस उंस खाता है, उसे कार्निवोरस कहते हैं, किनाइन का क्या काम रहता है, किनाइन को मांस खाने में यानी उसको चीरने में फाड़ने में मदद करता है केनाइन, तो बोल सकते हैं द केनाइन आर अ फोर पियरिंग एंड टियरिंग द फूड इज कॉल्ड केनाइन, जैसे कोई भी मांसाहारी जानवर में तो केनाइन नहीं पाया जाता है, लेकिन मांसाहारी जानवर में केनाइन थोड़ा लंबा पाया जाता है, केनाइन हम लोग में थोड़ा लंबा है कि हम लोग शाकाहारी भी मांसाहारी भी इसीलिए छोटा है, लेकिन शेर के बाद में देखिए ना, शेर चाहे बाघ उसको खाली मांस खाता है तो उसका केनाइन केने बढ़कर निकल रहा है, खूब बढ़कर होता है केनाइन होता है, उसी का सब फाड़ता है मांस को, चीरता है फरता है, केनाइन का काम होता है चीरना और फाड़ना, चलिए इसका संख्या कितनी है दो, देखिए इंसिजर के जस्ट यहाँ पर है जो थोड़ा नुकीला टाइप का रहेगा वही केनाइन होता है। अच्छा अब आते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर चलिए ये हो गया प्रीमोलर, जो ब्लैक से की है इसका ये होगा एक और दो, एक और दो प्रीमोलर, या प्रीमोलर का काम क्या होता है, प्रीमोलर का काम होता है पिसने उसने का, जैसे चौहुआ जी का बोलते हैं, मतलब चौहुआ इसी प्रीमोलर को भी बोलते हैं, ये दोनों का सेम ही काम होता है, प्रीमोलर और मोलर का सेम ही काम होता है, तो इसे प्रीमोलर को इंग्लिश में अगर कोई पूछेगा तो बोल सकते हैं द प्रीमोलर आर फूड ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग द फूड इज कॉल्ड प्रीमोलर, समझ गए ना, क्योंकि क्या बोले हम ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, च्यूइंग मतलब चिबाना, ग्राइंडिंग मतलब पीसना, मतलब चिबाता है पीसता है सलीवा में, प्रीमोलर मतलब उसको मिलाना, जैसे कि हम बताएंगे सलीवा होता है ना, सलीवा यानी लार होता है, लार को मतलब जब आप रोटी खाते हैं तो स्टार्ट में मतलब देता है ना, तो वो सलीवा में जब रोटी वोटी खाते हैं तो मीठा लगता है, क्योंकि लार को उसे काम रहता है मिलाना और पीसता है ना, और चिबू मतलब चिबाता है और पीसता है, तो उसको लार में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए घोटाता है जल्दी से ना, क्योंकि ऐसे रहेगा तो सच जाएगा, इसीलिए लार देखते हैं ना पिछला टाइप चिपकी बाहर चलेगा तो उसमें पिछड़ता है चीज, इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाएंगे इसी के बाद वीडियो आने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो अभी खाली टीथ के बारे में ही जानते हैं, चलिए प्रीमोलर तो आप सब लोग जान गए, प्रीमोलर एक और बात, एक खास बात है, प्रीमोलर बच्चों में पाया ही नहीं जाता है, प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, अब आता है मोलर, मोलर की बात आते हैं ना, मोलर मोलर की संख्या कितनी है छ, मोलर कहाँ पे रहता है तो यहाँ पर रहता है, देखिए ये तो हो गया प्रीमोलर, मोलर सॉरी मोलर, ये हो गया एम से मोलर, पी आर से प्रीमोलर, सी से केनाइन, एन से इंसिजर, आई से इंसिजर, समझ गए, सी से केनाइन, केनाइन की संख्या कितनी होती है चार, ओ सॉरी इंसिजर, इंसिजर की संख्या कितनी होती है चार, सी से केनाइन, केनाइन की संख्या कितनी होती है दो, प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है चार, बच्चों में यह नहीं पाया जाता है, इसका काम क्या रहता है चबाना, इसका काम रहता है और पीसना काम होता है, मोलर, मोलर का भी सेम ही काम रहता है, इसमें कितना पाया जाता है छ, तीन इधर और तीन इधर, जिसको इसे चहुआ भी बोला जाता है, समझ गए ना, इसे चहुआ भी बोला जाता है, प्रीमोलर छ पाया जाता है इंसान में, अच्छा इसे बोलते हैं ना, इसको लास्ट प्रीमोलर नहीं पाया जाता है,
लास्ट प्रियम मुलाकात बच्चों में नहीं पाया जाता है। यह मेनली 20 से 24 ईयर के मतलब 20 से 24 साल के अंदर में यह निकलता है। इसे बोलते हैं लास्ट थर्ड मोलर को क्या बोलते हैं, विस्डम टीथ। थर्ड मोलर को विस्डम टीथ भी बोलते हैं, विस्डम टीथ। क्योंकि यह अक्ल दांत होते हैं ना, तो कोई कहता है यह 20 से 22 में नहीं, कोई एक एवरेज लगाया गया, पहले भी निकल सकता है बाद में भी निकल सकता है, लेकिन एक एवरेज होता है 20 से 24 साल के अंदर यह निकलता है। समझ गए ऐसे प्रीमोलर, ये सब तो समझ गए, क्या क्या समझ गए, इंसिजर समझ गए, केनाइन समझ गए, प्रीमोलर समझ गए, मोलर समझ गए, और बाकी दांत पूरा कंप्लीट हो गया। एक पढ़ लिए और ऊपर का इसे गुना कर दीजिए, हो जाएगा सेम, ऊपर रहता है ऊपर से कर दीजिए, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 4 इंसिजर है, ऊपर में 4 इंसिजर हो जाएगा। केनाइन हो गया, केनाइन कितना हो गया, 2, तो ऊपर में भी 2 हो गया। प्रीमोलर कितना है, तो 4 है, तो ऊपर में भी 4 प्रीमोलर हो गया। मोलर कितना है, तो 6, तो ऊपर में भी प्रीमोलर कितना होगा, 6 ही होगा, क्योंकि यह सेम सेक्टर में बैठा रहता है, सेम एक चीज में मतलब सेम, क्योंकि यह सेम दिखता है। देखिए यहाँ 4 इंसिजर है, तो ऊपर ही 4 इंसिजर, यहाँ पर केनाइन है तो नीचा ही केनाइन, यहाँ पर प्रीमोलर 2 है और यहाँ पर भी प्रीमोलर 2 है। उसके बाद बचा से मोलर प्रीमोलर क्या है, बच्चों में नहीं पाया जाता है। क्या चीज में नहीं पाया जाता है, प्रीमोलर, तो बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। और एक और, तो एक और बात रह गई, आप सभी देखते हैं ना, जैसे कोई दांत में ब्लैक मतलब कैविटी हो जाता है, क्यों कैविटी हो जाता है ना, वो फ्लोरीन गैस के कारण, मतलब फ्लोरीन के कारण हो जाता है। फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाता है ना, तो दांत को क्षति पहुंचाता है, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा क्षति पड़ती है ना, तो बढ़ती मतलब क्षति होती है, तो वह फ्लोरीन के कारण होता है। फ्लोरीन फ्लोरीन सही है, वर्ड पे नहीं ध्यान दीजिएगा तो गलत भी लिखा सकता है, कभी कभी मिस्टेक्स है। फ्लोरीन के कारण ही हो जाता है, टीथ को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है, क्षति तो कौन है, तो फ्लोरीन ही पहुंचाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैविटी, कैविटी समझ गए, कैविटी। अब हो गया, अब एक होता है, सब ये तो जान गए, टीथ के बारे में लगभग सब जान गए। एक होता है डेंटाइन फॉर्मूला, डेंटाइन फॉर्मूला क्या होता है, डेंटाइन फॉर्मूला एक होता है, जैसे कि डेंटाइन फॉर्मूला बैठाया जाता है, अपना से बैठाया जाता है, इसका कौन मतलब प्रीमोलर ये है, इंसिजर ये है, तो 4 इंसिजर है, क्या होता है ना, ये मतलब होता है IMPR होता है, PR INPRM मतलब इंसिजर, आईसी में होता है, आईसी होता है इंसिजर, सी से केनाइन, पी से प्रीम, पी आर से प्रीमोलर, एम से मोलर, आई से इंसिजर, सी से केनाइन, पी आर से प्रीमोलर, एम से मोलर। अब इंसिजर, इंसिजर कितना होता है, तो इंसिजर 4 होता है, तो ऊपर 4 लिख दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर बता दे रहे हैं 4 हुआ, 4 केनाइन कितना होता है, केनाइन 2 होता है, तो 2 लिख दीजिए। अच्छा अब आता है प्रीमोलर, प्रीमोलर कितना होता है, 4, तो प्रीमोलर 4 लिख दीजिए। अब आता है मोलर, मोलर कितना होता है, 6, तो 6 लिख दीजिए। सेम ऊपर है सेम नीचा है, उतना ही कर दीजिए, सेम हो जाएगा, नीचा भी सेम उसी तरह होता है। डेंटाइन फॉर्मूला, अच्छा ये तो पढ़ लिए, मान लीजिए ये हो गया, टीथ को आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं ना, टीथ याद नहीं करिएगा, ये सब कोई याद नहीं, अपने से देख कर बता दे सकते हैं। एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर, मान लीजिए फर्स्ट ये सेकेंड, तो ऊपर भी तक थर्ड या फोर्थ हो सकता है ना, क्योंकि ये आधा जस्ट इसके उल्टा तो इस तरह होगा ना, इसको तो 4 चैम्बर में सब मतलब बांट दीजिए, एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इस पर भी डेंटाइन फॉर्मूला बैठा सकते हैं, जैसे केनाइन, केनाइन की
ये किसका काम है? तो फाड़ने वाला काम है। तो इसको कब लिखेंगे? तो दो नंबर में लिखेंगे। क्यों दो नंबर में लिखेंगे? क्योंकि यह दो नंबर में है। फॉर्मूला है एक, मतलब एक लाइन से रहता है तो अच्छा लगता है। पहले आता है इंसीजर। इंसीजर कितना रहता है? तो इंसीजर मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं इंसीजर दो। केनाइन कितना रहेगा? केनाइन एक रहेगा, तो एक। मान लीजिए प्री मोलर कितना रहेगा? प्री मोलर दो होता है, तो दो हो गया। मोलर कितना रहेगा? तो मोलर तीन होता है, तो तीन हो गया। 21 23 21 23 दो से गुना कर दीजिए, दांत खत्म। दो से गुना कर दीजिए, दांत खत्म। इसी तरह आप डेंटाइन, इस डेंटाइन फॉर्मूला है मेरे, इसी को कहते हैं। और दांत याद, दांत के बारे में याद नहीं किया जाता है, समझ गए ना? इसी तरह याद कर दीजिए आप सभी को। चलिए एक क्वेश्चन, दांत के तीत के हिंदी होता है दांत, होता है इंसीजन, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अच्छा, बच्चों में दांत कौन सा नहीं पाया जाता है? तो प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। अकल दांत किसे कहते हैं? तो मोलर को अकल दांत। कौन सा मोलर? तो थर्ड मोलर। अगर क्वेश्चन भी बहुत आता है ऐसे, बच्चों में दांत नहीं पाया जाता है, तो बच्चों में पाया ही नहीं जाता है कौन? तो प्रीमोलर। कौन सा दांत, मतलब बोल सकते हैं कौन सा दांत बच्चों में लास्ट वाला नहीं पाया जाता है? जब थर्ड प्री मोलर होता है वो नहीं पाया जाता। कौन सा मोलर दांत नहीं पाया जाता है? अगर ये भी तो क्वेश्चन में आता है, आता ही मेनली है। मान लीजिए तो बच्चों में कौन सा थर्ड, मतलब कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है, तब क्या लगाइएगा? थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, उस थर्ड मोलर को विस्तृत तीत बोलते हैं, समझ गए आप सभी? अच्छा, किसके कारण से? फ्लोरीन के कारण से दांत को क्षति पहुंचती है। सबसे ज्यादा क्षति फ्लोरीन के कारण से ही पहुंचती है। डेंटाइन होता है डायफ्योडोन और मोनोफ्योडोन। डायफ्योडोन मतलब दोबारा बता है आपको, जो दोबारा कितनी उसकी संख्या कितनी है? 20 होती है डायफ्योडोन को। मोनोफ्योडोन की कितनी संख्या होती है? तो मोनोफ्योडोन को 32 संख्या होती है। चलिए, जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? तो जीवन काल में टोटल 52 दांत निकलते हैं। चलिए, आप सभी को उम्मीद करता हूँ जान गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना भी ना भूलें। जय हिंद।